सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर है कि मैं इनके गाने पे जो है रिएक्शन दूँ, और जॉर्डन सिंधु इनके गाने पे जो है रिएक्शन दूँ। और इनका इस गाने का जो नाम है फॉर्ड बापू दा है और पंजाबी सॉन्ग है। तो इस गाने को देखते हैं, इस गाने में क्या कुछ और क्या बात की गई है इस गाने के अंदर। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओए ओट तक के तुरिया सच्चे दर्दी, तू वेखी दबला गे बुरिया हालातां नू, चन तारिया नू हथ ला मुड़ना ते खंबला लैने जज्बातां नू। मेरी आउण वेले भरी जदों फीस सी टुटी किश्त, रहा ना कम वसदा ताइयों फोर बाई फोर वांगू लगदा, मैनू हजे आह पास यारा बसदा दौड़ी उच्ची करनी लानेदार दी, ओ बड़ा डरिया मैनेजर दे रैंक तो पिक्का फोड़ दा लऊगा जट इत्थे भी पहला बापू दा छड़ाउणा फोड़ बैंक तो पिक्का फोड़ दा लऊगा जट इत्थे भी पहला बापू दा छड़ाउणा फोड़ बैंक तो। शिफ्टां दा मुल पऊ देख लई दूरे कम दे यारा ने यारा मेरे ना, हुण मेहनतां दा दौर चली जांदा ऐ जाऊं साल तक महफलां च तेरे ना, नाले पिंडां दा ब्लड किवें हार जू जित शुरू हुंदी सदा उच्ची थिंक तो पिक्का फोड़ दा लऊगा जट इत्थे भी पहला बापू दा छड़ाउणा फोड़ बैंक तो पिक्का फोड़ दा लऊगा जट इत्थे भी पहला बापू दा छड़ाउणा फोड़ बैंक तो। चौंदे कोठियां दा भुल दा ख्याल नी, गल फेर कोई करांगे यारा अगली, बुढ़े हड्डा तो मिट्टी नी हुण लगदी छत बल्लियां दी करनी आ बदली, होके मिलांगे बराबर दे उहनां नू जो शेम फील करदे आ साडे लिंक तो पिक्का फोड़ दा लऊगा जट इत्थे भी पहला बापू दा छड़ाउणा फोड़ बैंक तो पिक्का फोड़ दा लऊगा जट इत्थे भी पहला बापू दा छड़ाउणा फोड़ बैंक तो। गिल रौंते आवे दसना जरूरी आ किन्ने कीमती पिंडां ली डाले सेंट ने, साडा धन्नवाद करना ता बनदा वीजे दित्ते सानू जेड़ी गौरमेंट ने, मैं छेती बेबे बापू चारने जहाज ते खेड़ा छुट्टे केरा करजे दे टैंक तो पिक्का फोड़ दा लऊगा जट इत्थे भी पहला बापू दा छड़ाउणा फोड़ बैंक तो पिक्का फोड़ दा लऊगा जट इत्थे भी पहला बापू दा छड़ाउणा फोड़ बैंक तो। जो बचपन से इस तरह के हालातों में रहते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो उन लोगों के माइंड में जो है यही होता है कि हम अपने पेरेंट्स का जो नाम है वो ऊपर करके रखें, सर जो है उनका ऊपर करके रखें, उनका कभी सर जो है झुकने ना दें। तो उनके अंदर एक ये चीज़ होती है, वो आ ही जाती है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन से जब वो गुजरते हैं तो उनको वो चीज़ें हर तरह की चीज़ें जो हैं वो फील होने लग जाती हैं। तो हर तरह की चीज़ों की अहमियत भी होती है, तो वही चीज़ इस गाने के अंदर दिखाई गई है। और इस गाने में जॉर्डन संधू ने यही बताया कि मेरी वजह से जो है मेरे बापू ने किस्त तोड़ी है, जो कि मैं बाहर आया हूँ वो उन्हीं की वजह से आया हूँ, और अब मैं जो भी बाहर आकर जो भी मैं कमाऊंगा छोटा मोटा जो भी काम करूंगा तो उन पैसों से सबसे पहले मैं उनका फोर्ड चुकाऊंगा और फिर मैं अपने शौक मौज पूरे करूंगा, जो कि एक सबसे अच्छा मैसेज है। और इस गाने में मेहनत को लेकर भी जो है एक लाइन आई थी कि दो शिफ्ट होंगी तो मेहनत तो होगी, और ये ऑब्वियस सी बात है, तो मेहनत जो है सबको करनी पड़ती है, क्योंकि अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ही, और जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती तब तक आप मेहनत करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। और जिस तरह से गाने के अंदर एक मैसेज था कि जो हम चीज़ हमको बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, जो हम बेचना भी नहीं चाहते वो हम बेच देते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं,
तो ये चीज यहाँ पर इस गाने में ये मैसेज दिया है कि जो हम अपनी अजीज चीज को भी हम बेच देते हैं। और जब इस गाने के अंदर दिखाया गया है कि उनके पापू ने जो ट्रक बेचा था, तो उसने लड़का जो है छुड़वाता है उस ट्रक को अपनी मेहनत के थ्रू। और जब इन पंजाबी सॉन्गों में इस तरह की रियलिटी शो होती है तो वो काफी अच्छी लगती है, क्योंकि रियलिटी बेस वाले जो गाने हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और इस तरह के गानों को हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में भी इन चीजों को उतारना चाहिए। और इस गाने के जो लिरिक्स थे सच में वो अमेजिंग थे, यानी पूरे गाने में जान थी इन लिरिक्स की वजह से। और बीट्स जो म्यूजिक था वो काफी अच्छा था ही, पर जो लिरिक्स थे उन्होंने इस गाने के अंदर जान डाली हुई थी। और लास्ट में जो लाइन लिखी हुई थी पंजाबी में, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे पंजाबी जो है पढ़नी नहीं आती, पर मैं गानों को सुनती हूँ तो वो पंजाबी जो है मैं समझ लेती हूँ। पर मैंने रिएक्शन के बाद उसका ट्रांसलेट किया तो उसका यही ट्रांसलेट था कि जो लोग रोजी रोटी के लिए घरों से दूर आते हैं, मेहनत करते हैं, और उन लोगों को जो है सलाम है, उन लोगों को जो है सजदा है, तो क्या बात है संधु जी की। इस तरह की लास्ट में जो मैसेज दिया है उन लोगों के लिए, तो वो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी और ये गाना ही मुझे ओवरऑल काफी अच्छा लगा। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।